नमस्कार दोस्तों, आज आपको टुंडा रॉ के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। और टुंडा रॉ एक प्रसिद्ध रॉ है चौखटिया का, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ और बड़े बड़े जो मछलियाँ आती हैं वो यहाँ पर रहती हैं, और जिसको मारना अलाउ नहीं है, जो कि सरकार के तौर पे यहाँ पर प्रतिबंधित है, या पता नहीं क्षेत्रीय लोगों द्वारा मछली मारना यहाँ पर प्रतिबंधित है। इसकी पूर्ण जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने अभी पूछा यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर मछली मारना प्रतिबंधित है। और आपको दिखा रहा हूँ ये खेड़ा जो टुंडा रॉ है, वो चौखुटिया विकास खंड से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर टुंडा रॉ यहाँ पर स्थित है, और इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आपको जो मैं दिखा दूँ, वैसे तो कैमरा में आना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर होगा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आपको एक बार मैं अपने कैमरा के अनुसार जूम करके दिखाऊँ तो आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पर तैरते हुए दिखाई देंगी। आपको कुछ मछलियाँ दिखाई दे रही हैं तैरते हुए, ये मछलियाँ दिखाई देंगी। और ये मछलियाँ टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पर कुछ जो है पर्यटक यहाँ पर इस टुंडा रॉ को देखने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर इन दर्शकों को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दर्शक यहाँ पर टुंडा रॉ पर आए हुए हैं। और इसका नाम जो है टुंडा रॉ इसलिए रखा गया कि पहले ज़माने में बहुत गहरा हुआ करता था पहाड़ी में, कुमाऊनी में रॉ मतलब होता है कि काफ़ी गहरा, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हो और वो बहुत गहरा होता हो, उसे रॉ कहते हैं। ये पहाड़ कुमाऊनी भाषा में इसे रॉ बोला जाता है। और आपको मैं टुंडा रॉ का व्यू दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो टुंडा रॉ जो है रामगंगा नदी पे है टुंडा रॉ खेड़ा पर, और इस पे आपको नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिल रही है। आपको नेचुरल ब्यूटी ये देखिए, और पहाड़ों के बीच में, सुरम्य वादियों के बीच में, खेड़ा ग्राम सभा के बीच में आपको एक नेचुरल ब्यूटी आपको दिखाई देगी। रामगंगा नदी जो है अभी पानी काफ़ी कम है, लेकिन यह रामगंगा नदी इस क्षेत्र के लिए और चौखुटिया गेवाड़ घाटी के लिए जीवनदायिनी का एक जीवनदायिनी के रूप में से माना जाता है, जिसे पीने के लिए स्रोत, पीने का पानी और सिंचाई, मछली पालन एवं अन्य कई सारे चीज़ें लोगों को जिससे लाभ मिलती है रामगंगा नदी से। और इससे अंतिम रूप से आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।